डॉक्टर साहब आपको असल शोहरत तो लेडी डायना के वो चले जाए सर। डॉक्टर साहब आपको असल शोहरत तो लेडी डायना के वो चले जाए सर। डॉक्टर साहब आपको असल शोहरत तो लेडी डायना के स्कैंडल की वजह से मिली थी, तो वो क्या था और आप उसमें कोई तबसरा करना चाहें? नहीं, मैं उसको स्कैंडल तो नहीं कहूंगा, इट वाज फ्रेंडशिप। तो फिर आफ्टर ऑल बाद में उसने बिकेम अ स्कैंडल इन अ वे कि लोगों को मीडिया से जो इंफॉर्मेशन मिली वो दे टुक इट अप एज जैसे भी राइट और रॉन्ग। सो वी वर गुड फ्रेंड्स, तो हमने काफी वी डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर चैरिटी एट दैट टाइम। सो अनफॉर्चूनेटली शी डाइड एट अ वेरी यंग एज, वेरी प्रोडक्टिव एज। तो उसके बाद तो एवरीवन नोस व्हाट हैपेंड। लेडी डायना आपसे शादी करने की ख्वाहिशमंद थी? इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, कौन दिए ये। वो जिंदा होती तो शी वुड हैव सेड इट बेटर, लेकिन देयर वाज अ पर्सनल इशू। तो एंड एवरीवन नोस कि जी क्या व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स। कभी ख्वाहिश का इजहार किया ना? हां जी, कई बार किया। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स जो है वो है सिचुएशन, एंड 13 इयर्स अगो, तो ये तो एक टू ओपन अ पेंडोरास बॉक्स। तो इसको हम ना ही छेड़े इस बात को, इस वक्त 13 इयर्स लेटर आई थिंक इट्स बेटर। जैसे अच्छे दोस्तों को एवरीवन मिसेस देम, सो डेथ इज अ टेरिबल थिंग। तो जैसे बाकी मेरे दोस्त हैं करीबी, वैसे शी वाज आल्सो गुड फ्रेंड। नहीं, मैंने तो